हेलो गाइस, वेलकम टू शिक्षा फॉर नौकरी चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको ट्रांसफार्मर का पूरा थ्योरी पढ़ा दिया था। आज मैं स्टार्ट करूँगा ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो बिना वेस्ट किए टाइम मैं आपको सीधा ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रेलवे के पर्पज से ही मैं सॉल्व कराऊँगा, और जो रेलवे का ALP का CBT 2 का पेपर है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे ओवरऑल जर्नल एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुक होल्स विले में मेल फंक्शनिंग होता है तो उसके कारण से ट्रांसफार्मर में क्या होगा। गाइज, इसके साथ साथ आप मेरे साथ भी बने रहिए और आप कमेंट के अंदर इसका आंसर सेंड करते रहिए, जिससे मुझे भी लगेगा कि क्या फीडबैक है आपका। सो गाइज, बुक होल्स रिले में मेल फंक्शनिंग मतलब है यहाँ पर अगर कोई बुक होल्स रिले में खराबी हो जाती है तो उसके उस कारण से ट्रांसफार्मर में क्या होगा। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि बुक होल्स रिले, मैंने अपने वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है कि बुक होल्स रिले का काम है ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट्स के बारे में जानकारी देना। सो सबसे पहली चीज़ है, अगर ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग जो होती हैं ऑयल्स के अंदर होती हैं टैंक में, अगर उसमें फॉल्ट हो जाए और हमें नहीं पता चले और हमारा बुक होल्स रिले नहीं काम कर रहा, यानी मेल फंक्शनिंग हो गया, तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारी ये जो कोर है इसके अंदर जो वाइंडिंग्स हैं, और अगर हम इसके अंदर, और ये पूरा का पूरा सर्किट हमारा किस में है, ऑयल के अंदर है, और इसमें अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट की डिटेल हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अलार्म हमारा नहीं होगा, क्योंकि बुक होल्स रिले के साथ अलार्म जुड़ा रहता है। जब बुक होल्स रिले ख़राब हो गई तो अलार्म भी नहीं बजेगा। इंटरनल हमारे शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा होगा, यानी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। जब हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो हमारा I²RT यानी हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन अगर आप पढ़ें तो आप फंडा समझ गए होंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर हीटिंग ज़्यादा होने लगी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट होगा, बाहरी वाहर शॉर्ट सर्किट होगा, तेल का स्तर रिले लेवल से नीचे गिरने से अनियमित ब्रीथिंग एक्शन। तो ये ऑप्शन कहीं से कहीं मायने नहीं रखता। हमारा यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट करेगा। सो गाइज, अब आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि ट्रांसफार्मर इज ए, मतलब पूछना चाह रहा है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर इज ए क्या है, एम्पलीफायर, डायनामिक डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस या रोटेटरी डिवाइस। तो मैंने अपने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कराया कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, यानी इसका मतलब इसके अंदर कोई भी पार्ट और कोई भी कॉम्पोनेंट मैकेनिकल फंक्शन नहीं करता, यानी मूव नहीं करता, सब स्थिर रहता है। तो एक प्रकार की ये स्थिर मशीन है ट्रांसफार्मर, स्थिर मशीन। सो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के अकॉर्डिंग, हावी इजी है, पार्ट ए के लिए भी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल में आएगा और आपको नेक्स्ट पार्ट बी में भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में है कि हिस्टेरेसिस लॉस किस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब देना है तो सबसे पहले आपको हिस्टेरेसिस लॉस का ट्रांसफार्मर में फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी क्या होता है, BM^(1.6 FV)। तो यहाँ से हम सभी को पता है कि B हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और हमारा F क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई, और V हमारा यहाँ पर होता है वॉल्यूम ऑफ मटीरियल, यानी कोर का कितना वॉल्यूम है। तो ये तीनों पर ही हमारा डिपेंड करता है। बेसिकली हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है मेनली। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूछना चाह रहा है हमसे कि लॉस जो है, मतलब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो ये तीनों को ही मिलाकर हमारा डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो इन सभी के अंदर अगर मैं आपसे पूछूंगा तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला हमारा ट्रांसफार्मर, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट नो लोड। तो सारे ट्रांसफार्मर जितने होते हैं नो लोड के ऊपर ही डिज़ाइन किए जाते हैं, तो नीचे वोल्टेज रेगुलेशन में नो लोड आएगा।
मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर कितना वोल्टेज मिल बन रहा है और बाहर आपको कितना मिल रहा है, तो यही वो चीज़ होता है ये फॉर्मूला। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है, यानी जब नो लोड बराबर फुल लोड हो जाएगा तब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन ज़ीरो हो जाएगा। जब वोल्टेज रेगुलेशन हमारा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, जब हमारा नो लोड बराबर फुल लोड हो जाएगा तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, शून्य, ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ एट लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर ही ऑकर करता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव कब होता है वोल्टेज रेगुलेशन, तो भी लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर ही हमारा नेगेटिव होगा, यानी फुल लोड में कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगी तो भी नेगेटिव, और बराबर आ जाएगी तो ज़ीरो। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रीदर जो होता है कौन सा केमिकल कंपाउंड से बनता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रीदर का काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्व करना, तो ब्रीदर जो है वो आप ऑप्शन पढ़िए, ए हमारा वाटर, बी सिलिका, सी ऑर्गेनिक ऑयल, डी सॉल्ट। तो ना और वाटर पे डिपेंड करता है, ना ऑर्गेनिक ऑयल पे काम करता है, ना सॉल्ट पे। ये इसके अंदर होता है केमिकल कंपाउंड सिलिका जेल, और यही सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है। सो गाइस, हमने अभी आज 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आप भी कमेंट के अंदर इन क्वेश्चंस को लिख के अपना जवाब दें, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताएं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर आपको जिससे नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।